अभी तक हमने जो है इस क्लास में HTML कवर कर लिया है, CSS कवर कर लिया है और हमने ES6 JavaScript भी कवर कर लिया है। आज हम जो है वो JavaScript का एक नया चैप्टर ओपन करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्वर साइड JavaScript। ठीक है, अच्छा अभी जो हम पढ़ रहे होंगे अब ऑनवर्ड्स इस क्लास में वो हम JavaScript पढ़ रहे होंगे असल में। ठीक है, और लेकिन फ्रंट एंड पे चलने वाली JavaScript थोड़ी सी अलग होती है और सर्वर पे चलने वाली JavaScript थोड़ी सी अलग होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रंट एंड की JavaScript में उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो उसमें मौजूद नहीं है वो फीचर्स। अच्छा, तो सर्वर पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पोर्ट की लिसनिंग वगैरह, इन्वायरमेंट वेरिएबल का एक्सेस, फाइल ऑपरेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें ना इसकी हमें सर्वर पे ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, फ्रंट एंड पे इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आ जाते हैं जी हम। अच्छा, और इस JavaScript को पढ़ने के दौरान हम क्या कर रहे होंगे, सर्वर बना रहे होंगे एक्चुअली। ठीक है, तो हम साथ साथ सर्वर बनाना भी सीख जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको रिवाइज़ करवा दूं। जो हमने जब JavaScript शुरू की थी पहली दफ़ा, तो हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो JavaScript है वो, यार यहाँ कोई बैठा हुआ है इस वाली सीट पर, खाली है यार, आगे आ जाओ ना, तुम इतने पीछे बैठे हुए एसी के चक्कर में बैठे हुए। अच्छा फिर सही है, थोड़ी देर में आ जाना। अच्छा, तो JavaScript जो है ना वो शुरू में जब बनी थी तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है कि जी किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती है, जैसे कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूले आप लगा रहे होते हैं वो असल में एक, वो एक लैंग्वेज है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, या आप आईफोन की ऐप में जो आपके शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स की ऐप होती है उसके अंदर एक छोटा सा स्क्रिप्टिंग चल रही होती है, या इसी तरीके से आप कह लें कि अभी और कोई मेरी एग्जांपल जहन में नहीं आ रही, जैसे ऑटो कैड जब हम चला रहे होते हैं तो उसमें भी कमांड्स के थ्रू कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है काइंड ऑफ। इवन जो हम टर्मिनल जो यूज़ करते हैं, टर्मिनल के ऊपर जो हम कमांड्स लिख रहे होते हैं ना, CD कर रहे होते हैं हम, और CD डॉट डॉट लगा रहे होते हैं, MKDIR लगा रहे होते हैं, तो ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, किसी खास मकसद के लिए होती है, वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो नहीं होती है। ठीक है, उस पर हर काम नहीं होगा। एक्सेल के अंदर जो वो लैंग्वेज चल रही है उसके अंदर आप वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो शुरू में जब ये आई थी तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हैसियत इसको हासिल थी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और सब कंपनीज इसमें शामिल हुई हैं, ECMA करके ऑर्गेनाइजेशन बनी और ये एक प्रॉपर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसको दर्जा हासिल हो गया। अच्छा, वंस जब ये काम हो गया तो ब्राउज़र पे चलती थी, तो कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये सोचा कि यार ये कौन सी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिर्फ ब्राउज़र पे चलती है, क्योंकि आम तौर पे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे C++ है वो डायरेक्ट टर्मिनल पे चलती है, डायरेक्ट आप कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं वो चलता है प्रोग्राम, ब्राउज़र नहीं होना चाहिए उसके लिए। JavaScript को रन करने के लिए जब तक ब्राउज़र नहीं होता वो रन नहीं होती। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो गूगल ने जो इसका V8 इंजन लिखा था, जो जावा जब क्या जब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई ना, तो यार तुम उठो ये गेट बंद करो, तुम उठो ये गेट बंद करो, अब जो भी आएगा, और उनको काउंटर पे कह दो कि सर कह रहे हैं जो भी है उसको बाहर खड़े करें, क्या चक्कर है यार तुम लोग इतनी देर देर से आ रहे होते हो। लॉग नहीं है, सोफ़ा आगे कर दो उसको। बंद करो। और यार आपस में भी आप लोग बातें ना करें, ज़रा मुतवज्जा हो जाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। फिर ये बेसिक आपको पता नहीं होता ना, आइडिया नहीं पता होता कि ये हुआ क्यों है, तो फिर आगे मसले आते हैं बहुत। बेसिक आइडियोलॉजी जो होती है ना, वो जब आपको पता नहीं होती ना कि ये बना क्यों है और क्यों किया जा रहा है ये, तो आपको फिर आगे चीज़ें समझ नहीं आती। तो वंस आपको आइडियोलॉजी समझ आ जाती है ना, आइडिया समझ आ जाता है, तो फिर आपको क्या होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। अच्छा, क्या कह रहा था यार, मैं भूल गया भाई, किधर इतनी लेट क्यों आए, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ सोफे के साथ खड़े हो जाओ, तुम भी लेट आए हो ना, इधर खड़े हो जाओ, इधर ही खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े होके पढ़ोगे तुम,
बैठोगे नहीं, अब जो भी लोग हैं उनको अपने साथ खड़ा करो। यार इतनी लेट लेट आते हो तुम लोग यार। असल मुझे लेट आने से प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम ये कि हर थोड़ी देर पे इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, मेरा थॉट बन नहीं पा रहा, मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ इससे। मसला तो मेरी वजह से, तुम पीछे से कोई गेट होता वहाँ से आके बैठते तुम लोग। तो कल से टाइम पे आना, अभी खड़े रहो इधर ही। क्या कह रहा था यार मैं, हाँ V8 इंजन लिखा था गूगल ने, क्योंकि जब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई इसकी स्पीड बड़ी स्लो थी, तो गूगल ने क्या किया, इंजन को दोबारा से लिखा था नए सिरे से, उसका नाम रखा था V8। तो इन लड़कों ने क्या किया, वो V8 का इंजन उठाया और वो इंजन उठा के ना ऑन द टॉप ऑफ दैट इंजन कुछ मजीद उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करके एक Node.js के नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अच्छा, वो Node.js का जो प्रोजेक्ट था उसका मकसद क्या था कि ये टर्मिनल पर डायरेक्ट चले JavaScript। अच्छा, जब उन्होंने टर्मिनल पर चला लिया उसको, वो चल तो गई। अब मसला ये हुआ कि उसमें वो चीज़ें बहुत सारी कम थी, क्योंकि JavaScript के अंदर पोर्ट लिसनिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ी नहीं कभी, क्योंकि ये तो ब्राउज़र में होते ही नहीं है इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो वो सारी चीज़ें ऐड की गई। वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उस JavaScript, ज़ाहिर है जो नॉर्मल JavaScript थी उसकी एक ब्रांच निकल गई है, ये अलग चल रही है, वो अलग चल रही है, दो अलग अलग JavaScript हैं। अच्छा, जो ब्राउज़र वाली है उसका नाम पड़ गया AMD, और जो सर्वर वाली JavaScript है उसको नाम उन्होंने दे दिया CommonJS। और CommonJS क्या कहते हैं, चलती रही। अच्छा, ये ES5 का दौर है ये। जब ES6 का दौर आया तो ये Module.js आ गया, जो हमने अभी, अब फ्रंट एंड में भी Module.js अडॉप्ट हो गया, तो अब दोनों पे Module.js है। लेकिन स्टिल दोनों में, जो प्यारे बच्चों जो लेट आए इधर खड़े हो जाओ, सारे ऐसे लाइन बना के खड़े हो जाओ, बिल्कुल शाबाश, खड़े रहोगे तुम लोग, पूरी क्लास खड़े रहोगे अभी। तो क्या कह रहा था मैं यार, हाँ, अब दोनों Module.js दोनों में अडॉप्ट हो गया। अच्छा, तो हम जो पढ़ेंगे वो Module.js पढ़ेंगे नया वाला, और सर्वर उससे बनाना सीखेंगे हम। अच्छा, ये आया मैं और मैंने कहा कि जी हेलो डॉट MJS। अभी एक मैंने फ़ाइल बना ली MJS करके, और इसमें मैंने एक लिख लिया छोटा सा कोड चुनना मुन, अभी सर्वर की बात नहीं हो रही, अभी तो जस्ट हेलो वर्ल्ड बनाया इसका हम। हेलो वर्ल्ड सर्वर साइड JavaScript, ये मैंने यहाँ पे बात लिख दी। अच्छा, ये बात लिख दी, अब इसको मैं रन कैसे करूँगा, जो नॉर्मल JavaScript थी जो ब्राउज़र के साथ चलती थी उसको रन करने के लिए मुझे चाहिए होता था एक अदर HTML का पेज, HTML के पेज के साथ वो कनेक्ट होकर चलती थी, उसके बगैर चलाना उसको नामुमकिन था, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए जो है ना, हमें ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, हमें HTML के पेज की ज़रूरत नहीं है। इसको चलाने के लिए हमें अपनी मशीन में एक छोटा सा टूल है Node.js, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो वो इंस्टॉल कैसे होगा, जाएंगे आप Node.js लिखेंगे गूगल पे, क्लिक करेंगे पहली वेबसाइट पे, ये LTS वर्जन जो है ना इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी आपके पास है विंडोज़ मैक या लिनक्स तीनों पे ही अवेलेबल है। आप ऐसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये डाउनलोड हो गया, इसको आप क्या करेंगे, अभी मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि इंस्टॉल है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। अब आप डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे इसको आपने पूरा इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, विंडोज़ मशीन में इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सम टाइम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बगैर रीस्टार्ट किए ही आपको वो नहीं मिलता, मतलब अवेलेबल नहीं हो पाता। अच्छा, वंस जब आप इसको कर लेंगे इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे खोलेंगे टर्मिनल, राइट, यार टर्मिनल कौन से फोल्डर में खुला हुआ है। अच्छा, अब टर्मिनल खोलेंगे आप, और यहाँ पे आप लिखेंगे नॉड स्पेस माइनस वी, ठीक है, ये कमांड है नॉड स्पेस माइनस वी, इसको लिख के जब मैं एंटर करूँगा तो मुझे देखें इसने करंट वर्जन जो इंस्टॉल है मेरे पास Node.js का वो बता दिया। अगर तो आपके पास ये इंस्टॉल सही नहीं हुआ है, या किसी वजह से गलत इंस्टॉल हो गया, या इंस्टॉल नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो ये वर्जन शो नहीं होगा। ये वर्जन शो हो रहा है तो इसका मतलब ये इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो विंडोज़ मशीन में सम टाइम ये होगा कि आप इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन ये आ नहीं रहा होगा, तो आप रीस्टार्ट करेंगे तो फिर सही हो जाता है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद भी सही ना हो तो आप फिर उसको दोबारा से रिमूव करके दोबारा से इंस्टॉल करें मे बी। तो अल्टीमेटली आपको ये नज़र आना चाहिए, जब तक ये नज़र नहीं आया इसका मतलब इंस्टॉलेशन आपकी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, तो अब मेरे पास Node.js रेडी हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, CD स्पेस करके मैं उस फोल्डर में चला जाऊँगा जहाँ पे मेरे पास वो मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैं उस फोल्डर में, देखें इस वक्त आ चुका हूँ, ये मेरे फोल्डर का नाम है ना 4.server, ये मेरे फोल्डर का नाम है। अच्छा, अब पहचान क्या है,
कैसे आपको मेक श्योर कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे एल एस तो आपको उस फाइल का नाम दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एल एस मैक में और लिनक्स में एल एस है, और विंडोज़ में ये डी आई आर है। डी आई आर लिखते हैं तो सारे डायरेक्टरी दिख जाती है सारी, ठीक है। अब तो ये एक्सप्लोरर आ गया ना, अब तो यहाँ से एक्सप्लोरर से देख रहे होते हैं ज़्यादातर चीज़ें कि भाई डेस्कटॉप पे आ गए या डाउनलोड्स पे आ गए, ठीक है। तो टर्मिनल के अंदर ये चीज़ आप करते हैं एल एस के ज़रिए मैक और लिनक्स पे, और डी आई आर के ज़रिए आप करते हैं विंडोज़ मशीन पर। तादाद तो बढ़ती जा रही तुम लोगों की भाई, हैं? हाँ नहीं तो थोड़ा पहले आया करो ना, आपको पता है ना 7 बजे यहाँ क्लास शुरू हो जाती है। बस यार इसका कोई हल निकालें, ये मेरा तो मसला नहीं है ना। अब आप लेट आएंगे तो क्लास लेट शुरू होगी, और जाना तो आपने फिर टाइम पे होता है सब लोगों ने। फिर आधे बंदे मुझसे कहते हैं यार सर वो बस नहीं मिलती, तो फिर फिक्स 9 बजे ख़त्म कर दिया करें क्लास, फिर 9 बजे आप लोग भागना शुरू हो जाते हैं क्लास से। तो ये तो टाइम शॉर्ट हो गया ना क्लास का यार, तो थोड़ा सा इंसाफ करें अपने साथ। आप फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना जब दिल करेगा तो आप आराम से आएंगे। इसको आप आगे पीछे करें अपने स्केड्यूल को, ठीक है। आप जब अभी किसी ने वो यूट्यूब पे कमेंट किया कि भाई मुझे FYP बता दें, तो मैंने उसे कहा यार अपने आप सुपरवाइज़र से पूछे ना FYP। तो कह रहे नहीं सर वो तो मैं गरीब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, 10,000 फीस देता हूँ। मैंने कहा भाई 10,000 ही क्यों दे रहे हो फीस? तो जब 10,000 फीस देता है ना बंदा तो फिर टाइम स्केड्यूल आगे पीछे सही करता है। अभी यहाँ पे फ्री में आप पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि यार आप अच्छा, ये आप बिल्कुल भी ना सोचे, कोई भी बंदा आप में से ये बिल्कुल भी ना सोचे कि यहाँ पे अगर एजुकेशन फ्री दी जा रही है ना तो उसकी क्वालिटी किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से कम है, ठीक है। यहाँ पे जो एजुकेशन इस वक्त दी जा रही है ना सैलानी में, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं दी जा रही। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी जा रही तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उसका एक ही हाल है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है, सब जगह यही हाल है। इवन दो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इससे भी बुरा हाल है, जो सिर्फ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के हॉवर्ड, किंग यूनिवर्सिटी, और ये जो क्या है वो किंग कॉलेज लंदन, मतलब इस तरह की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के ना, जो छोटी जितनी है सबका तो बहुत बुरा हाल है। ये सारे लेट आए, इनको खड़ा किया वैसे मैंने, ये नमाज तक खड़े रहेंगे, जब नमाज का ब्रेक होगा ना उसके बाद फिर इनको बैठा दूंगा। तो भाई यूनिवर्सिटीज़ में ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, और दूसरा ये कि सिलेबस बहुत आउट ऑफ डेट है। जितनी चीज़ें नई नई आ गई हैं मार्केट में, अब देखो ये जो MJS जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी उठा लो कोई भी इंटरनेट पे बुक, किसी एक बुक में भी अगर ये नज़र आ जाए तो बता देना। ये बुक में आते आते अभी साल लगेगा उसके मॉड्यूल JS। तो यहाँ पे सैलानी में ना आम तौर पे टीचर जो हायर किए जाते हैं उनका क्राइटेरिया ये है कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, जो वही चीज़ पढ़ाएगा तो वो तभी उसको हायर करते हैं। ये नहीं कि जी सर मैंने तो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, मैंने PhD किया हुआ है, उसको नहीं रखते भाई। जो काम कर रहा है उसको रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो फ्रीलांसिंग करते हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन टीचरों को रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कोई डिग्री विग्री नहीं चलती, आपको कुछ करके दिखाना होता है। अभी भी जो नई हायरिंग्स होती हैं वो सारी, अब तो क्योंकि वो बाकायदा एक सिस्टम बन गया, तो वो सारे जो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स हैं सबके सबसे इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। तो जब मतलब मुझसे कोई नया इंस्ट्रक्टर यहाँ हायर होता है तो मैं उसको कहता हूँ भाई आज तक जो ज़िंदगी में काम किया वो दिखा दो, कुछ किया होगा तो कुछ तो होगा बना हुआ, कोई GitHub में कुछ तो रिपोजिटरी होगी 2-4, कोई तो फाइवर पर कुछ दिख रहा होगा कि ऑर्डर लगे हैं, कुछ काम हुआ है, कहीं जॉब किया होगा तो उसका कोई लिंक्डइन पे कहीं बर्थडे मना रहे होंगे, आजकल होता है ना बर्थडे पे केक कटता है, कुछ तो दिखेगा ना कि हाँ यार कुछ किया है इसने। तो जब तक वो कोई क्रेडेंशियल स्ट्रांग नहीं दिखता ना, तो यहाँ पे टीचर की हायरिंग नहीं होती। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि यार आप भी थोड़ी सी एफर्ट्स पुट करें, और बिल्कुल इस चीज़ पर आप बिलीव रखें कि, और बिलीव रखने की क्या बात है, ये तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है ना। ट्रूथ 3 तरह के होते हैं दुनिया में, जो ट्रूथ होता है वो 3 तरह का होता है। नंबर 1 होता है पर्सनल ट्रूथ, कि जी जो बंदे का अपना बिलीव होता है और वो कोई और माने या ना माने वो मानता है। जैसे भाई अल्लाह एक है, ये हर किसी का पर्सनल बिलीफ है, ठीक है। किसी को आप मनवा नहीं सकते, इसको आप साइंटिफिकली प्रूफ भी अभी तक तो नहीं किया साइंस ने। दूसरा होता है सोशल ट्रूथ, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, सॉरी पॉलिटिकल ट्रूथ होता है, सोशल नहीं पॉलिटिकल ट्रूथ। तो तीसरा जो होता है ना ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, वो ये होता है कि जी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको आप
प्रूफ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इस वजह से कि पहले इतने बैजेस निकल चुके हैं, आप जाएं लिंक्डइन पे ज़रा हेलो हेलो करें उनसे, देखें वो क्या कर रहे हैं, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मैं भी वो स्टोरीज़ वगैरह डालता रहता हूँ, आपका भी, आपकी भी स्टोरीज़ अभी बिल्डअप हो रही हैं लिंक्डइन पे। आप सब लोग जो असाइनमेंट पोस्ट करते हैं वो सारा लिंक्डइन पे जा रहा होता है, तो आपके बाद जो बैच आएगा उनका मैं बोलूँगा भाई मेरे लिंक्डइन पे जाके देखो, आज से एक साल पहले जो लोग अपने असाइनमेंट बना के पोस्ट कर रहे थे आज वो किधर हैं, पता चल जाएगा उनको भी। ठीक है, तो आज से एक साल पहले मैं लाइव वीडियो करता था, पिछले साल मैं फेसबुक पे लाइव करता था, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप फेसबुक लाइव में जाके देखें जो शक्लें दिखती थी मेरी क्लास में, उनको आप ढूंढने जाके लिंक्डइन पर, उनका नाम भी, उसका फ़ोन नंबर, नाम सब उस वीडियो में मिलेगा आपको। कॉल करें उसको, पूछें उनसे वो क्या कर रहे हैं आजकल, पता चल जाएगा आपको। और वो वीडियो में वही लोग आते थे जो असाइनमेंट अच्छे से बना रहे होते थे, उसमें हर कोई उस वीडियो में नहीं आता था, पीछे तो आपको बैकग्राउंड में पूरी क्लास दिख रही होती थी। तो आप उनसे पूछें, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है ये। तो आप अगर यहाँ पर टाइम लगाएंगे, आप मेहनत करेंगे, तो आप इस चीज़ पर बिलीव रखें कि ये जॉब वॉब तो छोटी बात है। बंद हो गया यार माइक, हर चीज़ आज जो है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करेंगे ना, तो ये जॉब वगैरह छोटी बात है यार। जॉब मिलना, जॉब तो नौकरी होती है यार, तो नौकर तो कोई रख ही लेगा आपको, छोटी बात है ये। नौकरी वोकरी मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता हो ना, तो आप इंशाल्लाह अपना काम करेंगे यार, अपना बिजनेस करेंगे, आप 10 लोगों को रोज़गार दे रहे होंगे, आप नौकरियाँ प्रोवाइड कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये कि शुरू में आपको खुद नौकरी तो करनी पड़ती है, जब भी आप सीखेंगे, जब भी आपका हाथ सेट होगा, तो फिर इंशाल्लाह आप अपना बिज़नेस करेंगे यार, ये नौकरी वोकरी छोटी बात है ये। तो खैर, तो ये हमने हेलो वर्ल्ड इसका जो है ना अब रन करना है, तो मैं उस फोल्डर में आ गया जिस फोल्डर में ये फाइल सेव हुई भी है। अच्छा, इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉट स्पेस और मेरी फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम है सर्वर डॉट, सर्वर क्या रखा था मैंने नाम इसका, हेलो डॉट एम जे एस, तो एच ई लिखूंगा मैं और टैब दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखें जो कॉन्सोल डॉट लॉग में जो बात लिखी हुई थी ना, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा जो हेलो वर्ल्ड था ना, इसका सर्वर साइड की जावास्क्रिप्ट का, ये मैंने पहले भी आपको शुरू में जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे उस वक्त शायद करके दिखाया होगा, ये मैंने आपको दोबारा करके दिखा दिया।